एग्जिट पोल को लेकर मोहनलाल कौशिक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल से कांग्रेस को दो दिन की खुशी मिली है। सर्वे करने वाले और कांग्रेस दोनों को बधाई मोहनलाल कौशिक कहते हुए नजर आए। साथ ही कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से फर्जी वोट डालने की कोशिश हुई, कई जगहों पर मारपीट के भी मामले सामने आए। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ये एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं, इसने कांग्रेस के नेताओं को दो दिन की खुशी देने का काम किया है, इसलिए मैं एग्जिट पोल देने वालों को भी बधाई देता हूं। और मैं बधाई देता हूं इस चुनाव में जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों ने जो कड़ी मेहनत के साथ शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए, चाहे उसमें हरियाणा पुलिस हो, CRPF हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, और मैं बधाई देता हूं उन सभी सामाजिक संस्थाओं को भी जिन्होंने 100% मतदान इस चुनाव में हो इस प्रकार की लिए लोगों को प्रेरित करने का काम किया। और मैं बधाई सभी पत्रकार भाइयों को, सभी मीडिया कर्मियों को भी देता हूं कि आपने जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपने भी इस चुनाव में लोग ज़्यादा बढ़ चढ़ कर मतदान करें, इसलिए सभी चैनलों ने भी अपील की और सभी ने जो वास्तविक स्थिति, जमीनी स्तर की जो स्थिति सभी चैनलों ने दिखाने का काम किया। और इस चुनाव में जहां जहां जो छुटपुट घटनाएं भी जिस प्रकार से हुई हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो जिस प्रकार से बूथ कैप्चरिंग का या फर्जी वोटिंग का या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा मारपीट तक के भी जिस प्रकार से हुए हैं, वो आप सबने अच्छे से दिखाने का काम किया है। और सभी वोटरों का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस लोकतंत्र के पर्व में अपने मत का प्रयोग करके हरियाणा प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनने का काम किया है।